नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फूड रेसिपी विद रॉय चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही फायदे और किफायती वाली सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके काफी सारे फायदे हैं। और इस सब्जी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम और फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं वो भी इसे खा सकते हैं। साथ ही साथ जिनकी आइज वीक होती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता है वो इस सब्जी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसे बनाना बहुत इजी है, तो सब्जी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इन्हें वॉश कर लिया है अच्छे से, और अब हम इन्हें काटेंगे। तो काटना हमें किस तरह से है, हम इसे आगे और पीछे से इस तरह से कट करके दोनों हिस्सों को निकाल देंगे, और इस तरह से हमें थोड़ा बड़ा बड़ा इन्हें काट लेना है। और आप चाहें तो इसकी कच्ची फलियों की भी सब्जी बना सकते हैं। और सहजन की फली को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और आप चाहें तो इसे उबाल कर हल्का सा नमक डालकर भी इसे खा सकते हैं। साथ ही आप इसे सांभर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारी फलियों को काट कर तैयार कर लेना है। तो सारी फलियों को हमने काट कर तैयार कर लिया है, साथ ही अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने यहाँ गर्म पानी पहले से ही चढ़ा रखा है, और अब हम फलियों को डाल देंगे पानी के अंदर। तो सारी फलियों को हमने डाल दिए हैं पानी में, और साथ ही अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि ये जल्दी उबल सके और अंदर तक इनमें फीकापन ना रहे। तो फलियों को हम बॉईल होने देते हैं। तो फलियों को उबलते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। साथ ही अब सारी फलियों को निकाल कर हम एक थाली में डाल लेंगे। तो हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, और गैस को हम ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल। तो हम यहाँ 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो तेल को हम गरम होने देते हैं, साथ ही हम मसालों का एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सभी के साथ हम डालेंगे 1/4 चम्मच एवरेस्ट मसाला। और अब हम डाल देंगे पानी। तो लीजिए, हमारे मसाले का पेस्ट बनकर तैयार है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, और सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, और साथ ही डालेंगे कुटा हुआ लहसुन। आप चाहे तो इसकी जगह जीरे या प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ लहसुन का इस्तेमाल किया है। तो लहसुन को हम हल्का सा 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हम डालेंगे मसालों का पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार किया है। और अब हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो मसाले को पकते हुए लगभग 2-3 मिनट हो चुकी है, और मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम यहाँ डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च, और इसी के साथ डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे ये फली, और फलियों को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फलियों को हमने अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है, और इन्हें हम ढककर लगभग 3-4 मिनट तक पकाएंगे। तो सब्जी को बनते हुए लगभग 4-5 मिनट हो चुकी है। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार है, और अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ा मसालेदार बनाना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, सब्जी हमारी बनकर तैयार है, और गैस को हम बंद कर देंगे, और गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्व कर देते हैं। तो लीजिए, सब्जी हमारी सर्व होकर तैयार है, और आप भी इस सब्जी को बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। काफ़ी हेल्दी है, और इसी के साथ ये स्वादिष्ट भी बनती है।
तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।